गाइस ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए भी हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपसे नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप समझ लोगे। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपसे कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आर। ठीक है, एक एरोप्लेन बना लो कि लेट अस सपोज कि ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है। ठीक है, अब ये एरोप्लेन उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी दे रखी है कितनी, 600 किलोमीटर पर आर। सही है भाई। अब ये जो उड़ रहा है वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 1960 मीटर की हाइट पर। तो ज़मीन से 1960 मीटर की हाइट पर ये उड़ रहा है, तो ये एक तरह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका। अब हमसे कह रहा व्हेन इट इज़ वर्टिकली अबव अ पॉइंट ए, जब ये ऊपर ए पॉइंट के जस्ट ऊपर है, ऑन द ग्राउंड अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, जब ये ए के जस्ट ऊपर था तो यहाँ से एक बॉडी को छोड़ा गया, इसमें से एक बॉडी को गिराया गया, तो यहाँ से एक बॉडी को गिराया गया कुछ आपने इस तरीके से। अब चूंकि बॉडी के पास भी वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आर की होगी तो बॉडी डायरेक्ट नीचे ऐसे नहीं गिरेगी। देखो जब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ छोड़ूंगा तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आके गिरा, तो वैसे ही ये बॉडी के पास होगा। जब एरोप्लेन जब आगे को जा रहा है तो इस बॉडी की स्पीड भी एरोप्लेन की स्पीड के बराबर है, तो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कुछ आगे जाके गिरेगी। तो लेट अस सपोज कि ये बॉडी जो है वो यहाँ जाके स्ट्राइक करी, तो हमसे कह रहा है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम इट, द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी, जहाँ पर गिरी है वो बी पॉइंट है। तो हमसे कह रहा है कि ए बी बता दो, ये ए से बी तक का गैप बता दो, ये ए बी आपको बतानी है। ए बी आप बड़े आराम से बता दोगे अगर आपको ये पता चल जाए कि ये ड्रॉप यहाँ तक आने में कितना टाइम ले लेता है, तो ड्रॉप की टाइमिंग का पता लगा लो। अगर टाइमिंग आपको मिल जाती है तो आप बड़े आराम से ये डिस्टेंस बता दोगे, क्योंकि आपको स्पीड पता है हॉरिजॉन्टल में कितनी स्पीड है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दोगे। लेकिन ये पता लग जाए ना कि ये ड्रॉप यहाँ तक है ना, कितना टाइम लग रहा है ऐसा यहाँ तक गिरने में, जितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक गिरने में उतने टाइम में कितना डिस्टेंस आगे को ट्रैवल कर चुका है, ये निकाल लोगे आप। तो इसको निकालने के लिए आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे रखा, सिंस वी नो दैट आपके पास एच इज इक्वल टू दे रखा, ये होता है यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या हुआ, देखो आपको पता है h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, 960 मीटर। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, जब आपने ड्रॉप को, अरे पेन गिर गई, जब आपने इसको एरोप्लेन से ड्रॉप को छोड़ा था तब इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही छोड़ा आपने उसके बाद इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आना शुरू कर देगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी कुछ टाइम बाद आती है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ से बचेगा हाफ जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1960 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, इसको 9.8 से डिवाइड करना है, ये बचेगा टी स्क्वायर के, तो पॉइंट हटा देंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 98 का जब डबल करेंगे तो 196 हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो था, तो 20 ये है और 20 ये है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर का, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड लग जाएंगे इस ड्रॉप को ज़मीन पर आकर गिरने में। अब 20 सेकेंड में ये ड्रॉप कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, तो ये निकाल लोगे आप, बिल्कुल निकाल लेंगे। आपको पता है सिंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आपने ए बी कह रखा है, ये होता है स्पीड इंटू टाइम। बात सही है, बात तो सही है यार, अब ए बी बात तो सही है ना, ए बी स्पीड कितना आपके पास बताओ, 600 किलोमीटर पर घंटे को, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम कितना लग रहा था आपको 20 सेकंड, तो 20 यहाँ 6 से काटोगे तो 6 18 हो जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 से काटोगे तो ये एक बार चला जाएगा, 6 कम 6 तो मतलब 100, ये 100 है, ये 5 × 10 ये भी 100 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 और नीचे हो जाएगा 3। अगर आप 100 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आता 33.333 × 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 प्लेस इधर को खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 33.3333। तो आपसे ए बी पूछा था तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 33
ये कुछ इस तरीके से है मीटर की। तो यही आपसे पूछा गया है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो भाई ये है। तो बस इसी तरीके से इंजॉय करते रहो, सारे क्वेश्चन समझ लो। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट किए हुए हैं 11th के लिए, आप जाकर के देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं और बहुत अच्छे से अपना नीट फाउंडेशन IIT फाउंडेशन तैयार कर लें। अकेडमिक लेवल पर आपकी फाड़ू परफॉर्मेंस आ जाएगी अगर आपने सारी वीडियोज़ देख रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।